अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप बताए फिर से होंगे और हमारे नए वीडियो में आप लोगों को खुशहाली। आज का व्लॉग व्लॉग है क्विटर टू इंग्लाज और अगर दो की दुनिया में गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आज रोजाना आरिफ सैन इमरोज चंदू में रोज आया तो हम लोग अभी स्पिनी रोड से निकल रहे हैं पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल डालने के बाद फिर इंशाल्लाह निकल जाएंगे। सही रहे साथियों, आज का बहुत तारीखी सफर होगा से आज, जो एक तारीखी मंदिर है जिसको विजिट करने के लिए सबको वजीर अजम इंडिया का इंदिरा गांधी भी उसने भी विजिट किया था। तो चलिए देखते हैं कि मंदिर में है क्या। इंशाल्लाह रात तक एक्सपेक्टेड है कि हम लोग पहुँच जाए। हमारे साथ और साथी भी है आरिफ साइन। आज बस गवादर का प्रोग्राम बनाए प्रोग्राम चल बनाए तो जा रहे हैं इंशाल्लाह। बस हमारे साथ रहे। हिंगोल नेशनल पार्क की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हिंगराज का जो मंदिर है वो दरिया हिंगोल के साथ वाकया है। हिंदो का बहुत मुकदस जगह है जहाँ से अकीदत खास फेस्टिवल को इंजॉय करने के लिए पूरे पाकिस्तान इवन इंडिया से लोग आते हैं। तो हम लोग भी चलते हैं उनका फेस्टिवल देखने के लिए। हम लोग क्वेश्चन से जा रहे हैं फेस्टिवल देखने। पेट्रोल की कीमत 235। आज साहब आज लीटर पेट्रोल कैसा है? कितने का है पेट्रोल लीटर? 230 का है। 230 का है? जी। चलो जबरदस्त। तो हम लोग इंशाल्लाह गवादर जा रहे हैं जी साहब। अल्लाह खैर करे, खैर खुशी से आप लोग जा रहे हैं। चलो ये जी साहब हमारा दोस्त है। Thank you.
रमजान का महीना है
हम लोग सफर पे निकले तो इसी होटल की तलाश में हम लोग क्वेटा से आखिर सुराब के मुजाफाती इलाके में पहुंच गए तो यहाँ एक कप चाय भी नहीं मिल पा रहा तो इंशाल्लाह हम लोग सारा बंद है रमजान रमजान अल मुबारक के महीने की वजह से तो हमारे जो दोस्त गए हुए कुछ लाने के लिए वहाँ से थोड़ा लेस लाने के लिए तो दोस्त से गुजारा कर लेंगे सफर में तो वैसे रोजा माफ होता है बिल्कुल जी जी अल्लाह ताला ने इतना याद रखे ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे बुजदार से कुछ पहले यहाँ एक चश्मा बहता है साफ सुथरा पानी का चश्मा यहाँ इंशाल्लाह हम बैठ के चाय बनाएंगे हाँ सर जी चश्मे का पानी है और ठंडा है मछलियाँ देखो काफी सारी मछलियाँ यहाँ चाय बनाने का याद है सर जी यार एक चाय पिए सुबह से हम लोग होटल की तलाश में रमजान मुबारक के महीने में आप चाय पिएगा अल्लाह ताला रहम दिले और हमारे एजाज भाई खड़े नया दोस्त हम लोगों का इस सफ़र में एक नया दोस्त बिल्कुल और ये आप लोग का बंदा हादसा जवान हम लोग का अपने प्यारा साथी भाई को सर्दी लगा सर हमारे भाई को बोला नहीं सर अब ये ना आएगा इंशाल्लाह उधर बोलना है फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह रवाना होंगे अपने सफ़र के तरफ यार ये जो पौनाज से आगे जब आप कराची की तरफ जाते हो या कराची से वापस क्वेटा की तरफ आते हो तो उधर एक जो आबशार वाला पानी है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे रोड के अपोजिट साइड पे एक बड़ा पानी और भी है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है ये हमें किस तरह पता चला आपको किस तरह पता चला आपको आपको कैसे पता चला इस पानी के वाह पहुंच जाएंगे
तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे लास बेला को, तकरीबन लास बेला के नज़दीक इन पहाड़ों के दरमियान। इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप लोग खुद चेक कर सकते हो। आइए भी इसी तरह नज़ारा आप लोगों को इंशाल्लाह कन्फर्म दिखाएंगे। और हमारे साथी दो साथी तो सो रहे हैं पीछे वाली सीट में, और एक गरीब साहब अपना ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस खूबसूरत पहाड़ों की एक खूबसूरत तस्वीर कैप्चर कर ले। गरीब साहब से पूछते सही क्या कर रहे हो? خوب چش بگی یار بس سیمی اول نه دفعه دیگه تو زندگی خو کی تا ایڈونچر کیمپینگ مونی ہاں زندگی نہ کدی دی ہم شو سیر کر کے گو جانور وانور مائے نہ مائے خو ہاں نہ مائے ٹینشن نہ کر او بخیر سیر کر ہاں اجاز تو کیسا کو ورات گسا ورات دفعه آؤٹ ڈور کیمپینگ کدری درو خو دیگه نہ تو کر کیم شو خاموری نہ موری خواهم وارین تینشن نگرین زهیر صاحب کیا کر رہے ہو؟ کیمپنگ کر رہے یہاں ہنگاچ دریائے ہنگول جو مرسات کا سب سے بڑا دریا ہے اس کے ساتھ ہنگاچ بندر کی کراس پر اچھا رات کے ایک بجے تو دوستو پوری دن ڈرائیو کرنے کے بعد تھکا ماندہ حالت میں ابھی رات کے ایک بجنے والے سو رہے ہیں یہاں کیا نام ہے اس کا اسی علاقے کا یہاں پہ کیمپنگ کر کے ہم لوگ سو رہے ہیں انشاءاللہ کل صبح اٹھتے ہیں پھر جائیں گے گوادر کی طرف